योगी राज में माफिया और हिस्ट्री शीटरों के अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में ऑपरेशन माफिया के तहत 48वीं कार्रवाई की गई, जिसमें प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के करीबी आसिफ उर्फ दुर्रानी के घर को ढहाने की कार्रवाई की। अतीक के गुर्गो ने पीडीए से बिना नक्शा पास कराए आलिशान मकान का निर्माण किया था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। विकास प्राधिकरण ने पुलिस फोर्स के साथ 4 बुलडोजर लगाकर मकान को गिरा दिया। आपको बता दें कि आसिफ धूमनगंज थाने का हिस्ट्री शीटर है और प्रयागराज के अलग अलग थानों में लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से आसिफ अतीक अहमद गैंग के लिए काम करता रहा है। सरकार द्वारा जो मुहिम छेड़ा गया है कि गुंडे अपराधी और गैंगस्टर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाए, उसी क्रम में यह 47 कार्रवाई के पश्चात यह 48वीं कार्रवाई चल रही है। यह आसिफ उर्फ दुरानी एवं राशिद द्वारा जो अवैध रूप से यह लगभग 400 वर्ग गज में मकान बनाया गया था, इसका कोई नक्शा पास नहीं था, इसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। इसकी लागत जमीन सहित लगभग 4 करोड़ के लगभग होगी। क्या बताया जाता है, हिस्ट्री सीटर है ये? ये हिस्ट्री सीटर है और अतीक गैंग से जुड़े हुए हैं और इनके बहुत सारे वारदात में इनके द्वारा वारदात जो है की गई है और विशेष जानकारी संबंधित थानों से जानकारी मिल सकती है पुलिस द्वारा जो है। गौरतलब है कि शासन के निर्देश पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 5 सितंबर को माफिया के अवैध निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया था। तब से लेकर अब तक 47 अवैध मकान, लॉज, गेस्ट हाउस, कोल्ड स्टोरेज ढहाए जा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई अतीक, उनके रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।